क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट चैप्टर नंबर टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसका इन्वेंशन किया था किसने किया था किसने किया था मैक्सवेल तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रॉपर्टी क्या है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवस वेव मोशन इज कॉम्प्लेक्स इन अ नेचर समझने में बहुत कॉम्प्लेक्स है ये जो मोशन है उनका वेव का वो थोड़ा सा नेचर में कैसा है कॉम्प्लेक्स इट्स सिंपल प्रॉपर्टी सारे अंडर बट कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज हम कंक्लूड मैनर में पढ़ने वाले फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल कल हमने बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है आया ना ओके okay? तो ये ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बनता कैसे है किस तरह से मिलता है दैट इज ड्यू टू विच पार्टिकल चार्ज पार्टिकल आर पर डिरेक्शन ऑफ प्रपोगेशन बात ऐसी ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड बोथ द फील्ड आर परपेंडिकुलर टू द डिरेक्शन ऑफ प्रपोगेशन ओके सो फाइनली ऐसा होगा सपोज आप जिस रूम में बैठे हो उसमें पीछे के वॉल से है ना हर वक्त मेरा यही आ जाएगा ध्यान देना तो पीछे की वॉल से लेके आगे की वॉल की ओर डिरेक्शन है प्रपोगेशन मतलब कि वेव ऐसे आगे बढ़ रहा है पीछे से लेके आगे की वॉल की ओर आया समझ में तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट वॉल से लेके राइट वॉल की ओर होगा ऑसिलेट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड अप से डाउन क्लियर तो मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पेन नहीं मिल रही है आज ठीक है ना Okay, चलेगा नहीं मिलेगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था टॉप बॉटम से मैंने मैग्नेटिक फील्ड बताया था तुम ऐसे कर दो तो चलेगा ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया तो इलेक्ट्रिक तो फील्ड हो गया इन शॉर्ट आर परपेंडिकुलर मैंने वॉल से इलेक्ट्रिक फील्ड बोला था ऊपर नॉर्थ पोल नीचे साउथ पोल तो मैग्नेटिक फील्ड बोला था तो दोनों एक दूसरे को क्या हुए एंड द डिरेक्शन दोनों फील्ड को प्रपोजनल है कि नहीं है सॉरी oh, परपेंडिकुलर है कि नहीं है तो तीनों डिरेक्शन एक दूसरे को क्या होती है परपेंडिकुलर बात क्लियर हुई तो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विच इज प्रोड्यूस ऑसिलेटिंग चार्ज आर परपेंडिकुलर टू अदर as well as both are perpendicular to the direction of propagation of wave this is the first property simplified picture of electromagnetic wave is shown in figure aapko bataya gaya hai वैसे आपको ध्यान रख के इसको ड्रा करना आया समझ में क्योंकि 3d फिगर है देखो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन x डायरेक्शन हो गया तो ये जो y डायरेक्शन है यहाँ पे दिख रहा है ना y डायरेक्शन तो इस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन हुआ वाई नेगेटिव वाई क्योंकि वाई का डिरेक्शन ऐसे तो नेगेटिव वाई पॉजिटिव वाई जीरो नेगेटिव वाई पॉजिटिव वाई जीरो और दिस इज फॉर इन द जेड डिरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव जेड जीरो नेगेटिव जेड जीरो पॉजिटिव जेड जीरो नेगेटिव जेड आया समझ में सो दिस द

इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेवस डो नॉट रिक्वायर एनि मीडियम साउंड वेव को प्रोपोगेट होना है तो रिक्वायर मीडियम क्या चाहिए मीडियम मीडियम के बिना साउंड वेव कोई काम के नहीं है आया समझ में वैक्यूम में जाके चिल्ला हो गया कोई नहीं सुनेगा क्यों क्योंकि वहां पर मीडियम नहीं है लाइकवाइज वाटर वेवस में वाटर मीडियम में ही वाटर वेव्स जनरेट होते हैं ना तो ये सब में मीडियम चाहिए बट इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेवस डो नॉट रिक्वायर मीडियम एंड कैन मूव इन अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड वो वैक्यूम में से ट्रेवल होके अर्थ तक आता है।, है ना जैसे अर्थ का एटमोस्फेयर खत्म हो जाता है उसके बाद वैक्यूम है पता है ना आपको देर आर द मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच आर डिफर फ्रॉम वन एन अदर इन इन टर्म्स ऑफ वेवलैंथ एंड फ्रीक्वेंसी वेवलैंथ इज रिप्रेजेंटेड बाई लामा फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाई न्यू जैसे वैसे न्यू है इट इज नॉट वी बट जनरली हम फ्रीक्वेंसी के लिए एफ यूज करेंगे क्या यूज करेंगे एफ ताकि इजी हो जाए क्योंकि वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी साथ में आता है तो वेलोसिटी का वी और ए फ्रीक्वेंसी का न्यू बट इतना जल्दी लिखना होता है तो दोनों क्या हो जाते हैं इसीलिए हम फ्रीक्वेंसी को एफ बोल देंगे गॉड इट द कंस्टिट्यूट वॉट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के काफी टाइप्स है और ये जो टाइप्स है वो एक दूसरे को कोई भी वेव की दो प्रॉपर्टी होती है वेव को दो प्रॉपर्टी से डिफाइन किया जाता है दैट इज वेवलेंथ एंड नंबर टू इज फ्रीक्वेंसी तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ डिफरेंट हो गए और उनके जो कंस्टीट्यूट मतलब कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो कंबाइंडली स्पेक्ट्रम फॉर्म करते हैं या तो फिर स्पेक्ट्रम के कंस्टिट्यूट कौन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसे कि आपको यहाँ पे नीचे बताया गया है कंस्टिट्यूट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें कौन कौन से वेव्स आते हैं तो मैंने कल भी बात की थी आगे के लेक्चर्स में भी आपको बताया था रेडियो वेव्स माइक्रोवेव्स इंफ्रारेड रेड अल्ट्रावायोलेट एंड विजिबल तो देखो उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज दी गई है कि रेडियो रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है टेन एज टू सिक्स हर्ड्स और इसका यूज दिया गया है कहाँ यूज होता है ब्रॉडकास्ट सीरियल देखते हो गए लाइव शो ब्रॉडकास्ट बाय पतंजलि आया था ऐसा सुनने में ब्रॉडकास्ट बाय मारुति स्विफ्ट ब्रॉडकास्ट बाय जीत वो बॉनविडा का क्या स्लोगन है ज, जीत का कुछ था और कॉलगेट का वो स्माइल करेगा इंडिया ब्रॉडकास्ट बाय स्माइल करेगा इंडिया कॉलगेट ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते ये सब ब्रॉडकास्टिंग है जो टेलीविजन सिग्नल्स है रेडियो सिग्नल्स है सब क्या है ब्रॉडकास्ट सिग्नल्स है इसलिए वहां पे रेडियो यूज होते हैं माइक्रोवेव रीज़न जिसका फ्रीक्वेंसी कितना है टेन टेन हर्ड्स हर्ड्स इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव्स कहाँ पे यूज होते हैं वैसे काफी ज्यादा यूज़ेस होते हैं लेकिन एक एक यूज लिखा हुआ है बाकी माइक्रोवेव ओवन में भी माइक्रोवेवस यूज होते हैं गौरी तो यहां में कौन सा लिखा है बेटा रडार रडार तो पता है ना आपको क्लियर किसी के कॉन्टेक्ट में आए बिना उसको डिटेक्ट करना हो तो रडार यूज करते हैं इंफ्रा रेड रिजियस जो टेन रेज टू थर्टीन हर्ट्स जितना फ्रीक्वेंसी है इसको हम हीटिंग रे बोलते हैं कौन से रे बोलते हैं हैंटिंग रे एक्चुअली ये हीट प्रोड्यूस करते हैं टेम्परेचर बढ़ाते हैं क्या बढ़ाते हैं टेम्परेचर आया समझ में वैसे दूसरा इंफ्रा आपने देखा होगा का टीवी के जो रिमोट्स होते हैं ना रेड कलर की लाइट लगती है उसमें से इंफ्रा रेड रेस निकलते हैं बट अभी तो टेक्नोलॉजी थोड़ी चेंज होने लगी है वो रेड कलर की लाइट हमें सबसे ज्यादा परेशान करती थी है ना वो चीज अल्ट्रावाट रीजियन टेनिश टू कंपोनेंट्स ऑफ दी सन्स रेडिएशन सन्स के रेडिएशन में वो कंपोनेंट्स दिखने मिलते हैं अल्ट्रावायोलेट जो एब्जॉर्ब हो जाते हैं ओजोन लेवर के अंदर टेंथ में पढ़ा था आया ना ओजोन हमें अल्ट्रावाट से प्रोटेक्ट करता है अदरवाइज डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में अगर हम आते हैं तो हमारी स्किन बर्न हो जाती है या कैंसर होने के चांसेस रहते हैं गॉडिक फिर भी हम अल्ट्रावाट लैम्प बना के अल्ट्रावाट रे प्रोड्यूस करते हैं टू किलिया है अल्ट्रावायोलेट आर ओ थोड़ा अगर आपको याद हो तो या मालिनी को टीवी में एड करते हुए देखा हो तो है ना तो यूवी आर ओ होते हैं मतलब की उसके अंदर बैक्टेरिया को किल करने के लिए यूवी रेस यूज किया जाता है विजिबल लाइट जो आपको पता है जो हम देखने के लिए हमें हेल्पफुल है टेनरे हर्ड्स कंपोनेंट ऑफ देशन सन्स रेडिएशन रेडिएशन में एक कंपोनेंट विजिबल लाइट है जिसके थ्रू तो हम देख पाते हैं आया समझ में जिसमें वीब क्योर आ जाता है वायोलेट इंडिगो ब्लू ऑरेंज ग्रीन रेड येलो ओके एंड द फोर्थ प्रॉपर्टी इज डिफरेंट काइंड ऑफ अल्ट आर यूज टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड दिस रेडिएशन आर कैरेक्टराइज बाई द नंबर ऑफ और सॉरी बाई द प्रॉपर्टीज नेमली फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं एप से वेवलेंथ दैट इज लामडा कभी कभी वेव नंबर या नंबर ऑफ वेव विच इज न्यू बार न्यू बार मतलब की फ्रीक्वेंसी बार और इसका एक्चुअली में फरमाया फ्रीक्वेंसी बार इक्वल टू वन अपन लामडा वेव नंबर यानी कि और कुछ नहीं वेवलैंथ जो मिला था ना आपको उसका हमें रेसीप्रोकल लेना है वन अपन लामडा यस रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज नॉन एज नंबर ऑफ वेव वेव नंबर क्लियर है

मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच डिफर्स फ्रॉम वन अनदर इन लाइन और कंस्टिट्यूट्स वॉट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम काफी टाइप के रेडिएशन है और ये रेडिएशन जिसके कंस्टीट्यूट है मतलब कि जो स्पेक्ट्रम है वो इसमें से बना हुआ है इसीलिए हम उसको स्पेक्ट्रम केंस्टीट्यूट क्या है तो डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सो विच डिफर्स फ्रॉम वन अनादर इन वेवलेंथ या तो फिर फ्रीक्वेंसी दिस कंस्टिट्यूट वॉट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड द फिगर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज़ इन अंडर या एज अंडर जैसे यहाँ पे यू कैन सी की टोटल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है गामा एक्सरे यूवी विजिबल इंफ्रा माइक्रोवेव रेडियोवेव और उसमें भी शॉर्ट रेडियोवेवस एंड लॉन्ग रेडियोवेवस आया समझ में तो ये हमारा पूरा स्पेक्ट्रम हो गया आपको हो सके उतना कंटिन्यूस याद रखना है तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं रेडियो से लॉन्ग रेडियो वेव्स या रेडियो वेव्स लॉन्ग के बाद शॉर्ट रेडियो वेव्स आएंगे उसके बाद आएगा माइक्रोवेव माइक्रोवेव के बाद आएगा इंफ्रेड इंफ्रारेड के बाद आएगा विजिबल विजिबल के बाद आएगा यूवी यूवी के बाद आएगा एक्सरे एक्सरे के बाद आएगा घामा तो हम लॉन्ग से लेके शॉर्ट की ओर जा रहे हैं देखो राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो लॉन्ग से शॉर्ट की ओर जा रहे मतलब कि उसका वेवलेंथ कम हो रहा है क्या कम हो रहा है देखो नीचे बताया गया है। यहाँ पे टू एट है देखो वाला। देखा था ना हमने? आगे के चैप्टर में फोर थाउजेंड एक्सट्रम टू सेवन थाउजेंड एक्सट्रम फिजिक्स के अंदर देखा था विजिबल लाइट की रेंज हाई है ना और फिर हमने फोर इंटू टेनरेज टू माइनस सेवन मीटर एंड सेवन इंटू मीटर किया था तो आया 10 to 6 के बाद 7, 8, 10, 12, 14, 18, 16. Clear हुआ और अगर वेवलेंथ कम हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा देखो जीरो बढ़ रहा है कि नहीं क्लियर हुआ तो इसीलिए लॉन्ग से लेके हमने याद रखा ताकि हमें पता चले पूछा जाए कि विच हैज द ग्रेटर वेवलेंथ एक्सरे एंड इंफ्रा रेड ग्रेटर वेवलेंथ इंफ्रारेड जो पहले आता है उसकी ज्यादा वेवलेंथ होती है जैसे आगे जाते हैं वेवलेंथ कम होती है तो कौन आएगा इसलिए तो हमने सीक्वेंस याद रख लिया रेडियो वेव में लॉन्ग रेडियो वेव शॉर्ट वेव माइक्रोवेव उसके बाद इंफ्रारेड इंफ्राइड के बाद विजिबल विजिबल के बाद यूवी यूवी के बाद एक्सरे एक्सरे के बाद गामा आया समझ में ओके अब ये जो रेडियो वेव्स है उसमें भी दो टाइप के देखा ए एम एंड एफ अगर आपने रेडियो यूज़ किया होता है तो एफ तो आपको पता ही है ना वो ही जो आप एफ समझते हो वही ओके जो गाना बजता है ना वही एफ एम बट अभी आजकल तो ऑनलाइन एप्लीकेशन इंटरनेट के थ्रू हम रेडियो प्ले करते बाकी पहले जो रेडियो आता था उसमें दो बटन होते थे ए एम एंड एफ एम वो एक्चुअली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रीकवेंसी मॉड्यूलेशन है उसी का शॉर्ट फॉर्म है मतलब कि वन टाइप ऑफ प्रोसेस वाइल सेंडिंग द वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ओके जो हम अभी डिटेल में कोई बात करने वाले नहीं है तो स्पेक्ट्रम क्लियर हुआ आइया ना अब उसके बारे में देख लेते टेबल में वैसे भारी भरखम इंफॉर्मेशन दिख रही है आइया ना बट ये इंफॉर्मेशन आपको रेडी करने की जरूरत नहीं है तो कल टेस्ट में भी इसको लिखना मतलब होमवर्क में करके आना है लेकिन टेस्ट में जब भी पूछे तो आपको मना कर देना है बात समझ में आया फिर बट इसका मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल मतलब डायरेक्टली ये पूरा क्वेश्चन नहीं आ सकता लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर गामा रेस्ट ओके और वो भी बहुत ही कम चांसेस है मतलब वन परसेंटेज आउट ऑफ हंड्रेड मार्क्स का पेपर होता है उसमें आउट ऑफ हंड्रेड वन या दो मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे होते हैं आया समझ में चांसेस बिल्कुल कम है बट फिर भी हम थोड़ा नॉलेज में ले लेंगे और अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमें याद रह जाएगा इसके लिए पर्टिकुलर टाइम नहीं निकालना है कि ये तो मुझे आना ही चाहिए मैं इसको रेडी कर देता हूं ऐसे करके वो दो दिन रेडी रहेगा फिर तीसरे दिन भूल जाओ क्लियर ना तो थ्योरी में तो बिल्कुल पूछेंगे नहीं तो एक्सरे जो है सॉरी गामा रे जो है वो गामा रे का फ्रीक्वेंसी थ्री क्रॉस टेन एस टू नाइनटीन से लेके थ्री क्रॉस कहाँ तक का है टेंटी ओके okay? और फ्रीक्वेंसी से वी कैन फाइंड आउट द लामडा देखो फॉर्मूला है सी इक्व टू एफ लामड़ा

तो यहाँ पे इन लोगों ने ऑलमोस्ट कितना लिया है माइनस ट्वेल्व आ गया समझ में परफेक्ट नहीं लिया आप क्या हाँ उसके लिए आ जाएगा सिक्सटीन वापस फॉर्मूला रखना पड़ेगा सी अपन सॉरी सी अपन एफ तो सी थ्री क्रॉस टेन एज टू और थ्री क्रॉस टेन एज टू ट्वेंटी ओके इसमें माइनस ट्वेल्व आया ना तो ये माइनस ट्वेल्व आया तो इसमें कुछ कुछ गलत है एट माइनस नाइनटीन कितना होगा ओके तो यहां पे ही ठीक है देखो 19 से लेके कहा तक है तो 19 से लेके कहा तक है तो जब आप ट्वेंटी फोर लोगे नाइनटीन की जगह पे तो ट्वेंटी फोर ऊपर चला जाएगा ओके तो गलती समझ में आ गई तो रेंज कहा था से 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 लेके 24. तो हिसाब का रेंज क्या बना टू टू मीटर आया समझ में चलो बट ये याद करने की जरूरत नहीं है वैसे एक रेंज फिक्स होती है तो दूसरी उसके अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू तो दिस फॉर्मूला सेट हो जाता है तो फटाफट से गाइड कर देता हूँ एक्सरे का रेंज टेन एच टू 16 से लेके 10 टू 19 तक का होता है देखो ये 19 से 24 तक का था तो 16 से 19 तक का फिर वो 14 से 16 तक का फिर विजिबल का 3.95 14 से लेकर सेवन पॉइंट नाइन टेंटीन वो तो बहुत ही कम रीजन में है देखा विजिबल लाइट इतना ही रीजन में और यानी कि एक ही पावर में कंबाइंड कम्बा, हो जाता है एक ही ऑर्डर में कंबाइंड हो जाता है टेन एस टू फोरटीन फिर इंफ्रा का टेन एस टू इलेवन से टेन एस टू फोर्टीन माइक्रोवेव का टेन एस टू नाइन से टेंड एस टू एफ एम रेडियो वेवस का टेन एस टू फाइव से टेनिश टू और लॉन्ग रेडियो वेवस का टेन एस टू जीरो से लेकर टेन एस टू फाइव यानी कि आप नीचे से स्टार्ट कर सकते हो जीरो टू फाइव फाइव टू नाइन नाइन टू इलेवन इलेवन टू फोर्टीन 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 टू सिक्सटीन सिक्सटीन टू नाइनटीन नाइनटीन टू क्लियर अगर वो पावर समझ में आ गया तो आप थ्री क्रॉस टेन एस टू एट उसका डिवाइड करते जाओ डिवाइड करते जाओगे तो आपको ए रेंज मिल जाएगा है? हमें दोनों नहीं करना है सिर्फ हमें नाम याद रखना है जो हमने नीचे से ऊपर याद रखे हुए Long radio waves, में आ जाएगा गामा पे होता है मतलब वो कहां मिलता है ऐसे uses लिखा है ऐसे लिखा लेकिन बोला है कि कंपोनेंट्स ऑफ विच रेडिएशन सन इंफ्रा रेड ऑलरेडी पढ़ लिया वेव्स रेडियो ब्रॉडकास्टिंग ओके okay? वैसे कुछ काम का क्वेश्चन नहीं था काम की बात पे वापस आते गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड गिव रिलेशन बिटवीन देम ओके दोनों के बीच में मतलब दोनों मतलब जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके बीच में क्या देना है रिलेशन यहां पे लिसन केयरफुली कैरेक्टरिस्टिक्स है और आगे जो क्वेश्चन था ना उसके अंदर क्या थी प्रॉपर्टी फिर पूछी होगी प्रॉपर्टी लिख के आओगे गलती होनी चाहिए नहीं क्लियर है चलो तो क्या क्या है या तो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्री थ्री फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ओके को क्या बोलते हैं एफ अभी मैंने रिलेशन भी बता दिया था उनके बीच का सीक्वल टू तो एफ लमड़ा बताया था कि नहीं बताया था तो वेव फ्रीक्वेंसी एफ विच इज मेजर्ड इन द नंबर ऑफ वेवस दैट पास इज पॉइंट इन अ मानो कि स्पेस में एक पॉइंट ए रहा वेव्स यहाँ से यहाँ पास हो रहे तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ कोई डिटेक्टर लेके और मैं कितने वेव्स पास हो रहे इस पॉइंट के आगे से वो कैलकुलेट कर रहा हूँ तो वन सेकेंड में जितने वेव पास हुए फ्रीक्वेंसी दैट इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी तो ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा हर्ट्स हर्ट्स का दूसरा मतलब है हर्ट्स अदरवाइज और करके सेकेंड इनवर्स नंबर ऑफ वेव पासिस नंबर ऑफ वेव डिविजन में टाइम था क्योंकि एक सेकंड में मैं नहीं मेजर कर पाऊंगा तो मैं दस सेकंड में मेजर करूंगा कि दस सेकंड में एक सेकंड बहुत छोटा टाइम हो जाएगा तो मानो कि मैं टेन सेकंड या वन मिनट ले लूंगा सपोज मैंने वन मिनट ले लिया तो मुझे मही लगा कि वन मिनट में टेन वेव्स पास हुए हैं तो फिर मैं क्या करूंगा नंबर ऑफ वेव्स टेन डिवाइड बाई वन मिनट सिक्सटी सेकंड में कन्वर्ट कर लूंगा तो नंबर ऑफ वेव्स का कोई यूनिट नहीं होता तो वन अपन सेकंड दिस वन अपन सेकंड इज कम ड हर्ट्स तो सेकेंड इनवर्स भी हो सकता है या तो फिर हर्ट्स हो सकता है क्लियर हुआ वैसे तो बात केमिस्ट्री की चल रही है लेकिन फिजिक्स में भी wave, wave के बारे में पढ़ने वाले एट लास्ट सबसे डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पॉइंट ऑफ वेव इज टेकन एज वेवलेंथ तो आपने नाइन्थ में ऐसा पढ़ा था क्रेस्ट थ्रो टू थ्रो पढ़ा था वे उसके बारे में ऐसा सेव तो ए पॉइंट और ए पॉइंट टू सक्सेसिव क्रेस्ट है या टू सक्सेसिव थ्रो टी एच ओ आर ओ यू जी एच थ्रो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे लामड़ा ओके तो पॉइंट की जगह पे हम डाल देंगे क्रेस्ट क्योंकि पॉइंट वर्ड गलत है वेव पे एक पॉइंट यहां पे और दूसरा पॉइंट यहां पे तो दोनों के बीच का थोड़ी ना वेवलेंथ होगा डिस्टेंस तो द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट ऑफ वेव इज टेकन सेम एज द वेवलेंथ सिंबल क्या है उसका हमने हमने मेजर किया डिस्टेंस तो क्या हो गया मीटर ऐसा यूनिट क्या हो गया मीटर लेकिन इतना बड़ा मीटर में वेव्स का डिस्टेंस नहीं होता है वेवलेंथ का तो वो किसमें होता है स्मॉलर यूनिट्स में जैसे कि एक्स्ट्रॉम एक्स्ट्रॉम टेन रेच टू माइनस टेन मीटर नैनोमीटर मतलब टेन रेस टू माइनस नाइन मीटर सेंटीमीटर मतलब टेन रेच टू माइनस टू मीटर आया समझ में नंबर वेव नंबर जिसको हम एफ बार बोलते हैं या न्यू बार बोलते हैं नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ मतलब कि वन अपन लामडा दैट इज नथिंग बट एफ बार ओके सिंबल इज एफ बार या न्यू बार इट इज इट्स यूनिट इज रेसिप्रोकल ऑफ विच यूनिट वेव लेंथ ऐसा यूनिट इज क्योंकि मीटर वन अपन मीटर मीटर इनवर्स बट जनरली छोटा यूनिट लेते हैं सेंटीमीटर तो क्या लिखेंगे सेंटीमीटर इनवर्स क्लियर हुआ ओके इन द वैक्यूम ऑल दाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिगार्डलिस वेव लेंथ जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनको वेव को छोड़ के चाहे कोई भी वेव हो उनका ओके okay? ट्रैवल्स एट द सेम स्पीड एंड देट स्पीड इज थ्री क्रॉस टू एट मीटर पर सेकेंड फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स के अंदर या फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा था पूरा वैल्यू टू नाइन नाइन सेवन नाइन टू फोर फाइव एट तो इन लोगों ने टू नाइन नाइन सेवन नाइन टू फिर फोर फाइव एट की जगह पे क्या लिख लिया फाइव इसको कट कर लिया और इसकी जगह पे क्या लिख लिया फाइव फोर फाइव एट ऑलमोस्ट फाइव हंड्रेड हो जाता है तो उसकी जगह पे इन्होंने फाइव लिख लिया बात समझ में आया

एफ लामडा फ्रिक्वेंसी इन टू लामडा और दैट्स वाई फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो लामडा जाएगा डिनोमिनेटर में सी ओवर लामा क्लियर हुआ रिलेशन भी देने थे उनके बीच में क्लियर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन अरेंज द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेडिएशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में अरेंज करना है एक है रेडिएशन ऑफ माइक्रोवेव ओवन दूसरा है एम्बर लाइट फ्रॉम विच सिग्नल ट्रैफिक सिग्नल रेडिएशन ऑफ एफ एम रेडियो कॉस्मिक रे फ्रॉम द आउटर स्पेस एन एक्स रे सर सब पता है इसको छोड़ देते हाँ भी छोड़ देते अब हमें पता है लॉन्ग से लेके घा तक जा रहे थे तो क्या इंक्रीज होता था या क्या डिक्रीज होता था वेवलेंथ क्या होता था क्या हो रहा था क्यूब क्योंकि पहले लॉन्ग वेव आया था फिर शॉर्ट वेव आया था तो वेवलेंथ क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है अगर वेवलेंथ डिक्रीज होता है तो फ्रिक्वेंसी बढ़ता है तो अभी देखो लिसन केयरफुली आप पहले आएगा लॉन्ग रेडियो वेव बोलो अपने जो याद किया है वो शॉर्ट रेडियो वेव माइक्रोवेव इंफ्रा रे विजिबल रे अल्ट्रावायोलेट, एक्स रे गामा रे क्लियर अगर आप ऐसे जाते हो तो वेवलेंथ जो लामडा है वो डिक्रीज होता है और फ्रीक्वेंसी उससे ऑपोजिट इंक्रीज होता है क्यों क्योंकि देखा ना अभी हमने फ्रीक्वेंसी फ्रिक्वेंसी तो लामडा रेसिप्रोकल है डिनोमिनेटर में लामडा चला गया मतलब विच रिलेशन रेसिप्रोकल अब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है तो माइक्रोवेव ओवन ए जो है वो यहाँ पे आ गया माइक्रोवेव के सामने बराबर चलो ट्रैफिक सिग्नल का लाइट कैसा होगा कौन से रीजन में आएगा इसमें से दिखना भी तो चाहिए ना ट्रैफिक सिग्नल आपको इसमें से सिर्फ एक ही रे दिखता है इतने जो हमने कैटेगरी लिए ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उस से उसमें से सिर्फ एक ही रीजन दिखता है और उसी का नाम क्या दिया है विजिबल रीजन तो ट्रैफिक सिग्नल दिखना भी तो चाहिए ना तो कौन से कौन से रीजन में से होगा विजिबल इसीलिए विजिबल में से कौन आएगा बी आया समझ में मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ एफ एम शॉर्ट में था शॉर्ट रेडियो वेव्स में आया ना सी चलो एक्सरे एक्सरे में ही आएगा ना ई e, सॉरी तो ए हो गया आपको आप फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी शॉर्ट फिर मतलब मतलब सी ये सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा एफ रेडिएशन आया समझ में फिर ए ए मतलब माइक्रोवेव आ गया आया ना फिर बी बी मतलब एम्बल लाइट ट्रैफिक सिग्नल क्लियर है फिर ए कौन सा है ई e, e मतलब एक्सरे और कॉस्मिक रे जो होते हैं ना उसकी फ्रिक्वेंसी सबसे कम होती है याद रखना अनदर टाइप ऑफ रे घामा के भी नीचे आते हैं। बराबर तो उसकी फ्रिक्वेंसी उससे भी कम होती है बोलो को डाउट या कॉस्मिक रे जो है ना वन टाइप ऑफ घामा ही है तो सबसे देखो अगर आपको ये ऑर्डर याद रहा होगा तभी जा, जाके इस क्वेश्चन का क्या दे पाओगे आंसर अब बिकॉज करके जो दिया है वो हमारे काम का नहीं है वैल्यू हम याद रखने वाले हमने हमारे लॉजिक के थ्रू सॉल्व किया क्लियर हुआ ओके कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है किलो टू 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 हाउ मच है एंगस्ट्रॉम माइनस सेंटीमीटर अगर आपको ए टेबल बना के दिया गया है वर्कबुक के अंदर तो लिखना है ऐसे लाइन नहीं करने हाँ है ना समझ में चलो गुड क्योंकि लिखेंगे तो एक बार हमारे दिमाग में जाएगा है ना वन किलो हर्ट्स यानी उसी को सेंटीमीटर में बोलना हो तो क्योंकि इसको 10 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस एट तो हो जाएगा 1 मतलब 10 6 मीटर। अगर उसी को टेन रेस टू टू से मल्टीप्लाई करो तो टेन एच टू माइनस फोर सेंटीमीटर वन मिली माइक्रो मतलब कि ऑलरेडी टेनरेज टू माइनस सिक्स तो था और मिली का टेन एस टू माइनस थ्री दोनों मिला के माइनस नाइन उसको टेनरेस टू टू से मल्टीप्लाई करो तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गए एक नैनोमीटर टेनरे नाइन और एक नैनोमीटर बराबर सॉरी एक नैनोमीटर इक्वल्स टू एक मिली माइक्रॉन क्योंकि देखो दोनों टेनरेच टू माइनस नाइन टेनएस टू माइनस नाइन तो एक मिली माइक्रॉन और नैनोमीटर क्या होते हैं सेम दिस इज द थिंग फॉर एफ बार वेव नंबर ऑलरेडी फॉर्मूला बता दिया है वन अपन लामडा और सी इक्वल्स टू क्या होता है एफ लामडा बराबर ना तो वन अपन लामडा इक्व क्या होगा लामडा इधर चला गया सी उधर चला गया तो देखो एफ बाई सी है क्या होगा सी बाय क्लियर हुआ हाइया ना तो लामडा इक्वस टू सी बाय या तो फिर इसी फॉर्मूला से एफ इक्वल टू सीओवर एफ इक्वस टू ऑवर एफ एफ इक्व टू सी ओवर लामडा या तो फिर सीकासी वन अपन लामडा को क्या बोल सकते हैं एफ बार तो सी एफ बार जहां पर न्यू होगा वहां पर मैप कर दूंगा क्लियर हुआ याद रखने रखने के लिए विच ऑब्जर्वेशन आर नॉट एक्सप्लेन बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ फिजिक्स अभी जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवस देखे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के थ्रू डेवलप हुए तो ऐसे कौन से ऑब्जर्वेशन है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्योरी से एक्सप्लेन हम नहीं कर पाए तो द फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम विच बॉडी हॉट बॉडी ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं जिसको हॉट बॉडी अपने में से कुछ ना कुछ रेडिएशन को एमिट करते हैं कभी लोहे को गर्म होते हुए देखा है ओके okay, कैसे कलर का होता है तुमने तो देखना ही होगा ना उसकी फैक्ट्री में होता है तो उसका तो पता ही है ओके okay, कौन सा कलर का होता है बट मैं वो ऐसा बोलू कि वही रेड कलर थोड़े टाइम के बाद अगर उसको ज्यादा हीटअप करोगे तो ब्लू कलर में कन्वर्ट होगा वही ब्लू कलर और ज्यादा हीटअप करोगे तो व्हाइट कलर में कन्वर्ट होगा तो वो बात गलत बिल्कुल नहीं है आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो देखने के लिए प्रैक्टिकल में पॉसिबल नहीं है क्योंकि उतना ज्यादा टेम्परेचर के लिए एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट भी होना चाहिए आया समझ में तो अब समझ में आया कि इसमें से रेडिएशन निकल रहा है यस और नो तो किसी भी हीट हॉट बॉडी में से जो रेडिएशन निकल रहा है वो हम कौन से थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हम यानी कि साइंटिस्ट उस टाइम पे जब ये नॉन फिनोमिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सर्फेस ऑलरेडी मैंने बता दिया था पार्टिकल नेचर वाली बात करते करते आइंस्टाइन को याद किया था जब किसी रेडिएशन को मेटल सरफेस पे इंसिडेंट करते हैं इंसिडेंट करवाते हैं तो वो मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं वो हम एक्सप्रेस या एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे बाय विच थ्योरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज ऑफ टेम्परेचर हीट कैपेसिटी मतलब कि कोई सब्सटेंस जो है वो पर किलोग्राम कितनी हीट स्टोर कर सकता है या किसी एक सब्सटेंस का पर किलोग्राम वन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेस करने के लिए कितना हीट एनर्जी देना पड़ता है उसको हीट कैपेसिटी बोलते हैं क्या बोलते हैं Well दोनों में आएगा okay? तो एक एक किलोग्राम है उस मैटर का और उसका वन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने के लिए हाउ मच हिट इज रिक्वायर्ड इज नोन एज हिट कैपेसिटी अब ये जो हिट कैपेसिटी है ना वो टेम्परेचर के साथ वेरी होता है तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे

जिसके लिए उन लोगों ने कुछ ना कुछ वर्क किया और एक्सप्लेनेशंस निकाला आया समझ में हमने हमारी एक स्टोरी को फुल स्टॉप किया हुआ है रदरफोर्ड के लिमिटेशन के बाद उसके बाद सारे इवेंट्स देख रहे हैं जो उस टाइम पे हुए थे आया समझ में थोड़ा थोड़ा कच्चा कच्चा उसका नॉलेज ले रहे हैं हमारे माइंड में और फिर वहां से हम आगे के डेवलपमेंट में बढ़ेंगे बाकी हमारा एम क्या है स्ट्रक्चर ऑफ एटम समझना लेकिन ये इवेंट्स नहीं समझेंगे तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम समझ में नहीं आएगा एक्सप्लेन द फिनोमिन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन अब जो प्रॉब्लम्स थे समझना तो पड़ेगा कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन्स का भी जो प्रॉब्लम्स था उसको कैसे सॉल्व किया गया क्या एजेप्शंस आए और वो वो एजप्शन फिर हमारे एटम की थ्योरी में कंटिन्यू होंगे और उस तरह से एटम की थ्योरी डेवलप होगी बाकी हम अभी कहाँ पर आके रुके हुए हैं रदरपोर्ड न्यूक्लियस की बात कंप्लीट हो गई वो इलेक्ट्रॉन के रोटेशंस की बात सेटिस्फाई नहीं हो रही है रदरपोड वहाँ पे ही फेल हो गए थे ना ओके चलो ध्यान देना फर्स्ट कॉन्क्रीट एक्सप्लेन ऑफ दिनोम मैक्स प्लैंक ने सबसे पहले सबसे पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक्सप्लेनेशन दिया प्रॉब्लम okay, तो था ही, उसको एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से नहीं कर रहे थे तो मैक्स प्लैंक आए कुछ नया थ्योरी लेके बात समझ में आया अब क्या प्रॉब्लम था क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे तो उतना भी डिटेल्स यहाँ पे दिया गया नहीं है बट हम थोड़ा कंक्लूजिव मैनर में सीखेंगे वैन द सॉलिड्स आर हीटेड दे एमिट द रेडिएशन ओवर अ वाइड रेंज ऑफ सॉलिड्सिएशन लाइन एग्जाम्पल वेन आयन रॉड इज हीटेड इन द फर्नेस इट फर्स्ट टर्न इन टू ड रेड अभी मैंने बात किया था प्रोग्रेसिवली बिकम मोर एंड मोर रेड एज टेम्परेचर इंक्रीज कलर फ्रीक्वेंसी इज चेंड एंड वो ब्लू करके फिर कहा पहुंच जाएगा व्हाइट कलर में ब्लैक बॉडी क्या बोल किसको बोलते हैं तो द आइडियल बॉडी आइडियल मतलब कि जो रियल में प्रेजेंट ही ना हो बट द ब्लैक बॉडी यानी कि वन टाइप ऑफ आइडियल बॉडी विच एमिट एंड एबजॉर्ब रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी जो अपने में से सारे फ्रीक्वेंसी को एमिट कर सकती हो या उसके ऊपर इंसिडेंट हो रही हो सारे फ्रीक्वेंसी को एब्सॉर्ब करती हो उसको हम ब्लैक बॉडी बोलते हैं क्या बोलते हैं ब्लैक बॉडी आपको टेंथ के नॉलेज से थोड़ा पता होना चाहिए कि सपोज मेरे को कोई सरफेस व्हाइट दिख रहा है ये सरफेस व्हाइट दिख रहा है इसका मतलब क्या इसके ऊपर जितने भी रेडिएशन इंसिडेंट हो रहे वो सारे फ्रीक्वेंसी एमिट हो रहा है और इसलिए कंबाइंडली वो वाइट दिख रहा है आया समझ में अगर कोई ग्रीन मानोगी रेड कलर का रोज है डार्क रूम में चले गए और उसके ऊपर ग्रीन कलर क्या कर रहे हो आप इंसिडेंट कर रहे हो तो वो ब्लैक दिखेगा क्योंकि ग्रीन एब्जॉर्ब हो जाता है रेड रोज इसीलिए सॉरी रोज रेड इसीलिए दिख रहा है बिकॉज उसके ऊपर का ग्रीन कलर क्या हो जाता है एबजॉर्ब और रेड कंपोनेंट निकल के आता है आया समझ में ऐसे दो कलर जिनको मिक्स करने से व्हाइट कलर बनता है उसको हम सप्लीमेंट्री कलर्स बोलते हैं तो एक सप्लीमेंट्री कलर एब्सॉर्ब हो जाता है दूसरा सप्लीमेंट्री कलर्स एमिट होता है तो हर एक ऑब्जेक्ट में ऐसा होता है कुछ का एमिशन कुछ का एब्जॉर्ब आया समझ में बट ब्लैक बॉडी एक ऐसा बॉडी है जो हरेक को एब्जॉर्ब कर सकता है हर एक फ्रिक्वेंसी को एमिट कर सकता है एंड दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी एंड द रेडिएशन एमिटेड बाई सॉडीज नॉन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन अब वो रेडिएशन की इंटेंसिटी होती है सो so, हम सिंपली समझाऊँ या एक्सप्लेन करूँ तो इंटेंसिटी इक्वल्स टू एनर्जी पर टाइम पर एरिया पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर एरिया में कितनी एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे इंटेंसिटी लाइट इज अ वेव और लाइट के किसी भी वेव का काम होता है एनर्जी को कैरी फॉरवर्ड करना आया समझ में तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स के लिए T1 वन एंड टी टू टी टू टेम्परेचर इज ग्रेटर देन टी वन और वेव लेंथ वर्सेज इंटेंसिटी का ग्राफ दिया गया है देखा आपने और वो बता रहा है कि जैसे जैसे वेव लेंथ इंक्रीज़ हो रहा है इंटेंसिटी अप टू सर्टेन वैल्यू इंक्रीज होगा और फिर क्या होगा डिक्रीज होगा आया समझ में गुड

ऐसे जा रहे हैं तो वेवलेंथ क्या हो रहा है इंक्रीज अप टू मैक्सिमम वैल्यू देन फर्दर इंक्रीज इन वेवलेंथ इंटेंसिटी डिक्रीज आया समझ में अपल्यून हाँ ना ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज नॉट एबल टू तो एक्सप्लेन बाय विच थ्योरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस टाइप का बिहेवियर ए इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ए बिहेवियर क्यों दिखने मिल रहा है व्हाई तो वो चीज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे ओके

हैमिटेड एब्जॉर्ब्ड वेव फ्रिक्वेंसी और कलर ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज चेंज विथ टेम्परेचर ए वेव थ्योरी बता रहा था कि हेमिटेड या फिर एब्जॉर्ब्ड वेव फ्रिक्वेंसी कैसे ब्लैक बॉडी में रेडिएशन करता है या फिर कलर ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है वो कैसे चेंज होता है टेम्परेचर के साथ ओके okay? वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कौन सा थियोरी वेव थ्योरी सो so, थ्योरी कौन सा है तो प्लैंक ने दिया प्लैंक सजेस्ट दैट एटम एंड मॉलिक्यूल्स कुड एमिट और मॉलिक्यूलॉर्ब एनर्जी ओनली इन अ डिस्ट्रिक्ट क्वांटिटीज वेव क्या होता है कंटिन्यूस एनर्जी को लेके जाता है जब तक वेव इंसिडेंट होगा इसके ऊपर एनर्जी इंसिडेंट हो रही है वेव ऐसा बता रहा है बट प्लैंक ने उल्टा माना अपोजिट माना प्लैंक ने ऐसा माना कि कोई भी बॉडी डिस्ट्रिक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी को ही एब्सॉर्ब या एमिट कर सकती है आया समझ में है ना हिदायत ऐसा बच्चा है कि उसके घर में जितने भी रिलेटिव आते हैं और दस देते हैं बीस देते हैं और कुछ देते नहीं है ऐसा बोलना है उसका हंड्रेड देते वो लेता जाएगा आया समझ में बट अमित एक ऐसा बच्चा है सुन अमित एक ऐसा बच्चा है जब वो फाइव हंड्रेड के मल्टीपल में है तभी एब्सॉर्ब करता है पांच सौ है तो एब्सॉर्ब फाइव हंड्रेड इंटू टू थाउजेंड है दो पत्ती है एब्जॉर्ब दस है तो एब्जॉर्ब बट अगर कोई दस की पत्ती दिखा रहा है नॉट इंटरेस्टेड समझ में आया ये दोनों थ्योरी में इतना फर्क है वेव थ्योरी कंटिन्यूस ऑफ एनर्जी या कंटिन्यूस एमिशन ऑफ एनर्जी चाहे कोई भी अमाउंट का हो बट प्लैंक ने क्या माना मॉलिक्यूल एंड एटम्स जो होते हैं दे एमिट और एब्सॉर्ब एनर्जी ओनली इन अ डिस्ट्रिक्ट क्वांटिटीज नॉट अ कंटिन्यूअस मैनर प्लैन गिव एज ने क्वान्टू द स्मोलेट क्वान्टिटी ऑफ एनर्जी जैसे अमित के लिए स्मॉलेस्ट क्वान्टिटी 500 हंड्रेड रुपीज था एक पत्ती होनी चाहिए फाइव हंड्रेड की आया समझ में कौन से कलर की आती है पता नहीं पैसे देखे ही नहीं मैंने ग्रीन कलर की आती है ओके तो ग्रीन कलर की एक पत्ती होनी नहीं देखे देता ही नहीं कोई आते चले जाते रुकते नहीं तो कहा देखो मैं चलो ध्यान दो दैट कैन बी एमिटेड और एब्जॉर्व आया समझ में चल लिसन एनर्जी ऑफ द क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी प्लैंक ने यह भी प्रूव किया कि जो एनर्जी है क्वांटम का वो किस पर डिपेंड्स है फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव क्योंकि इंसिडेंट तो हम वेव ही कर रहे थे ना या एमिट तो किसका हो रहा था वेव का वेव का कौन सा नेचर होता है कैरेक्टराइज क्या होता है फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी को प्रोपोर्शनलिटी में होता है तो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी जब प्रपोजनैलिटी हटाया तो कोई कॉन्स्टेंट रखा दैट इज प्लैंक प्लैक दैट इज द प्लैंक कॉन्स्टेंट प्लैंक ने रूल दिया तो उस कॉन्स्टेंट का क्या नाम बन गया प्लैंक कॉन्स्टेंट एंड वन क्वांटम ऑफ एनर्जी जो होता है यानी कि एच एफ एच एफ इक्वल्स टू वन क्वांटम ऑफ एनर्जी वन स्मॉलेस्ट एनर्जी पैकेट ओके एक पैकेट लेगा दो पैकेट लेगा तीन लेगा बट उसके बीच का कोई भी वैल्यू नहीं लेगा तो उसका वैल्यू कितना है सिक्स ओके okay. खत्म एच एफ इक्वल टू वन क्वांटम ऑफ एनर्जी और दिस इज द वैल्यू ऑफ एच एच इक्वल ही स्मॉलेस्ट वैल्यू है स्मोलेस्टी बट बहुत इंपॉर्टेंट है विद दिस थ्योरी प्लैंक वॉज एबल टू एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी इन द रेडिएशन फ्रॉम द ब्लैक बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ फ्रिक्वेंसी और द देंथ एट द डिफरेंट टेम्परेचर एंड उन्होंने आगे जाके बताया कि एनर्जी जो है वो एन एच एफ होगा मतलब कि एच एफ का एक पैकेट वैसे एन यानी कि मल्टीपल पैकेट सपोज कहने का मतलब एब्जॉर्ब या एमिट हो सकता है तो वन एच एफ हो सकता है या टू एच एफ हो सकता है या थ्री एच एफ हो सकता है या फोर एच एफ बट कभी टू एंड हाफ एच एफ अमिट एक ऐसा बच्चा है जो फाइव हंड्रेड की एक नोट ले सकता है दो ले सकता है तीन ले सकता है बट फाइव हंड्रेड की ही लेगा बात समझ में आया ऐसा रेस्ट्रिक डाल दिया और तब जाके इस थ्योरी से प्लैन जो है वो किसको एक्सप्लेन कर पाए ब्लैक बॉडी रेडिएशन बात समझ में आया आगे जाके बहुत इनको फॉलो करने वाले हैं ध्यान रखना तो एन इक्वस टू वन देन इक्व एन एच एफ इक्विमम एनर्जी एन इक्वित रूपीज फाइव हंड्रेड मिनिमम एनर्जी आया समझ में जितना नोट बढ़ता जाएगा उतना एनर्जी बढ़ता जाएगा बात क्लियर हुई दिस स्मॉलेस्ट एनर्जी ऑफ एटम और मोलिक्यूल नॉमे मोलिक्यूल नेमडेस्कम उसको क्या नाम दिया गया इसीलिए क्लासिकल फिजिक्स है और ये फिर क्वांटम के बेस पे जो नया फिजिक्स डेवलप हुआ क्वांटम फिजिक्स क्या बोलते हैं उसको क्वांटम फिजिक्स क्लासिकल मिकेनिक्स क्वांटम मिकेनिक्स तो जब भी ये इक्वल तो वाला कॉन्सेप्ट आए जो प्लैंक ने इंट्रोड्यूस किया था तब हम बोलेंगे क्वांटम फिजिक्स स्टार्ट हुआ कौन सा फिजिक्स स्टार्ट हुआ गुड आगे की बात कल